पाकिस्तानियों जब तक ये पैगाम आप तक पहुंचेगा मुझे ये अरेस्ट कर चुके होंगे और मैं जेल में हूंगा तो मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है अपील है कि आपने घरों में चुप करके नहीं बैठना मैं ये जो जदोजहद कर रहा हूं ये अपनी के लिए नहीं कर रहा यह अपनी कौम के लिए कर रहा हूं आपके लिए कर रहा हूं आपके बच्चों के मुस्तबिल के लिए कर रहा हूं अगर आप अपने हकूक के लिए नहीं खड़े होंगे आप गुलामों की जिंदगी गुजारेंगे और गुलामों की कोई जिंदगी नहीं होती गुलाम ऐसे होते हैं जैसे चूंटियां जमीन पे होती हैं उनके ऊपर परवाज नहीं होती और ये बड़ी ख्वाब का नाम था पाकिस्तान नारा था ला 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 पाकिस्तान का मतलब क्या कि हम कोई इंसान के सामने नहीं झुकते ला ला एला इंसान की गुलामी से हमें आज़ाद करता है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मदीना की रियासत में सबसे पहले इंसानों को आज़ाद किया था अदर और इंसाफ दे के ये है जंग इंसाफ की आपके हकूक की आपकी आज़ादी की और कभी भी याद रखें कोई आजादी प्लेट में रख के नहीं देता जिस तरह मैं कहता हूं जंजीरें गिरती नहीं हैं तोड़नी पड़ती हैं पुरमन एहतजाज आपने करते रहना है जब तक कि आपको आपका हक नहीं मिलता